शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास सिक्स मज़मून इस्लामियात अनवान है एहसान सफ़र नंबर 55 था 56। ओके डियर स्टूडेंट ओपन योर बुक्स इन ओपन योर पेज नंबर ऑन 55। टॉपिक नेम इज़ एहसान। ओके सबसे पहले मैं आपको एहसान का मतलब समझाती हूँ कि एहसान का मतलब क्या है, मफहूम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है और कुरान मजीद में क्या क्या इरशाद है। देखते हैं कि एहसान का मतलब किसी के साथ नेकी करना, अच्छा सलूक करना, भलाई और मेहरबानी का बर्ताव करना है। यानी माँ बाप, बहन भाई, यतीमों, मोहताजों, रिश्तेदारों, हमसायों और मुसाफिरों वगैरह से अच्छा सलूक करना एहसान है। एहसान का मतलब किसी के साथ एहसान करना, अच्छा सलूक करना, भलाई और मेहरबानी का बर्ताव करना। राइट, समझ आ रही है कि हम क्या कहते हैं कि हमारा इसी में से, यानी माँ बाप, बहन भाई, यतीमों, मुसाफिरों, मुख्ताजों, रिश्तेदारों वगैरह के साथ हमने एहसान करना है, उनके साथ अच्छा सलूक से पेश आना, भलाई करना ही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये एहसान ही है। एहसान वही चीज़ है कि हम अपने लिए करते हैं, करना हमारा है, लेकिन हम दूसरों को क्या करते हैं, हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक कर ले तो ये भी अल्लाह ताला देख रहा है कि तुम लोगों के साथ कैसा सलूक कर रहे हो। और अगर तुमने अच्छा सलूक कर लिया तो तुम्हारे माइंड में, हमारे माइंड में फिर ये बात नहीं होना चाहिए कि ये हमें इसका बदला देगा। हमने एहसान कर लिया, हमने उसके साथ अच्छा सलूक कर दिया, डेट से बात ख़त्म कर लो। अब आप इस बात का वेट नहीं करना कि हाँ अब ये हमें इसका बदला देगा। बदला इंसान अगर नहीं दे सकता, उनके हाथों में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि वो आपका एहसान का बदला जुटला सके, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है कि वो अल्लाह ताला आपको इसका बदला ज़रूर ही देगा। राइट, इस्लाम में ईमान के बाद दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की गई है। ये नहीं है तो इस्लाम में ही है, ये हम पर फ़र्ज़ है। एहसान करना सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें से जानवर भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं, परिंदों के साथ भी हम एहसान कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को दिल और जान से कबूल करने, उनको पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करना एहसान है, बल्कि भलाई का हर अमल एहसान है। आप जो भी कर लो वे नहीं, इसलिए ये है कि आपके माइंड में ये है कि हम इसका कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान, कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जानवर, कोई परिंदा परेशानी में है, आप उसकी परेशानी को दूर कर लो तो ये क्या है, ये एहसान है और अल्लाह ताला देख रहा है। राइट, फिर इसके बाद एहसान की अहमियत है। इस्लाम में दूसरों के साथ भलाई और मेहरबानी का बर्ताव वाद रखने की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला भी एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। कुरान पाक में एहसान के बारे में इरशाद बारे ताला है, सूरह अल बकरा आयत नंबर 195। वाहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मोहसिनीन, वाहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मोहसिनीन। तर्जुमा, और एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ठीक, फिर है एहसान करने वालों को ना सिर्फ इस दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, बल्कि मरने के बाद भी ऐसे लोगों को अच्छे नाम से याद रखा जाता है। सिर्फ इस दुनिया में उनकी इज्जत की निगाह से उनको नहीं देखा जाता, बल्कि उनको आखिरत में उसको इसका बदला ज़रूर कौन देगा, अल्लाह ताला ही देगा। और हर बंदा जो एहसान करता है तो वो उस बंदे को दुनिया वाले क्या करते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं। एहसान सिर्फ नेकी और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की खातिर किया जाना चाहिए। एहसान करके उसे जताना, उसके बारे में ज़्यादा जोर देना उसे ज़ाया करना ही है। आप यही कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ एहसान किया है, उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ ये एहसान किया था, अब इसका बदला दो मुझे। नहीं, ये तुम खुद ही उसके अपनी नेकियों को ज़ाया कर रहे हो।
ठीक है, यहाँ पे है कि हुकूकुल्ला के हुकूकुल्ला हुकूकरबान को नहायत अहसन अंदाज में अदा करने का जरिया है। किस चीज़ में? इस्लाम में हुकूकुल्ला में क्या क्या चीज़ें आती है? नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और हज अदा करना। हुकूकुल्लिबाद का मतलब क्या है? बंदों के हुकूक और जानवरों के हुकूक वगैरह। मतलब इसमें यही आता है कि आप किसी चीज़, किसी भी इंसान के साथ, आप जानवर के साथ आप एहसान कर सकते हो, लेकिन बार बार उसको नहीं बताओगे। एहसान करते हुए किसी किस्म का लालच या दुनियाई अरज इंसान के सामने ना होने चाहिए। लालच तो एक इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। अगर किसी के जहन में, इसके दिल में ये आ जाए कि ये काम जो मैं कह रहा हूँ ये मुझे ज़रूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ देगा, नहीं, ये लालच है। लालच के बगैर कोई काम कर लो, ज़रूरी नहीं है कि वो आप काम करो तो आपके दिल में ये है कि हम, ये लालच जो है ना इंसान को खुद गर्ज बना देता है। खुद गर्ज अगर बन गए हो तो तुम्हारी नेकी गई। नेकी करना चाहते हो तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर लो। इस्लाम में दूसरों के साथ हुसन सलूक का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि जो ताल्लुक तोड़ दे उनसे भी अच्छा सलूक करने की तालीम दी गई है। ताल्लुक वैसे तो तोड़ना ही नहीं चाहिए, आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ आप क्या करो, उनके साथ आप एहसान करो। अगर वो तुमसे ताल्लुक तोड़ रहे हैं तो तुम ताल्लुक ना तोड़ो, ठीक है। इंसानों के साथ साथ इस्लाम ने जानवरों के साथ भी अहसन सलूक का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला ने हर शे पर एहसान करना फ़र्ज किया है। अगर तुम किसी हलाल जानवर को ज़बह करना चाहो तो भी अच्छाई और खूबी के साथ ज़बह कर लो। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी इंसान को ज़बह करना चाह रहे हो तो उसके साथ भी एहसान करो। एहसान आप कैसे कर सकते हो उसके साथ? इसके साथ बहुत वो जो छुरी होती है उसको तेज़ करना, तेज़ अगर ना हो तो उसको वो तकलीफ़ होती है, और जैसे छुरी तेज़ होती है तो वो आसानी से ज़बह हो जाता है, ठीक है। फिर यही यहाँ पे और भी हैं, अब जान परिंदे हैं, अगर कोई परिंदा किसी मुसीबत, यही हो सकता है कोई बच्चे वो घोंसले से अंडे निकाल उठा लें, किसी परिंदे के बच्चे उठा लें, तो ये अगर वो बच्चे से वापस लेके उस वहाँ पे अपनी जगह पे रख लो तो ये क्या हुआ, ये एहसान हुआ, राइट। हमें चाहिए कि जब भी दूसरों के साथ एहसान का मौका मिले तो अल्लाह ताला तो लोगों के साथ भलाई करने में हमेशा पहल करें, ताकि अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हों। ओके क्लास सिक्स, ये है आज आपका टॉपिक एहसान। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।